एकदम पहाड़ बना रखा था। हाँ तो ये अच्छा है, आपको ये भी है, दुख हुआ जान के आपके बारे में भी देखो आज के फफोले निकले हैं। है? मैं जब मेरा कटेगा तो मैं भी आपको बताऊंगा, फिर मैं भी शायरी लिख के आपको फॉरवर्ड करूंगा मान लेके पहले हम ही आएंगे, है? मान लेके हम ही आएंगे, मतलब पूरी प्लानिंग में है कि मेरा कट जाए, सेट तो हो नहीं रहा है कोई, कटवा पहले देंगे आप। कटने का भी अपना मजा है। हाँ ये मतलब सब नहीं होता है। उसका भी अपना मजा है, मतलब कहते हैं ना जिंदगी में एक्सपीरियंस लेना चाहिए, तो एक बार तो कटने का भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए, बहुत मजा आता। तो क्या सामने वाली पार्टीज बोलेंगे भाई डबल डेट कराओ हमको, गेट सेट गो। स्टार नहीं देखी रॉकस्टार कौन सी वाली? रणबीर कपूर वाली, तो नहीं खुद जाता है लड़की के पास, वो रिलेशनशिप इसलिए आता रणबीर कपूर ताकि मेरा कट जाए और फिर मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं। दिल टूटेगा, दिल टूटे वही कहते हैं ना, यूपी बिहार में दिल टूटा तो लड़के आईएएस क्लियर करते सीधे। हाँ, आपका दिल टूटा तो आप तो हाँ मतलब एक बार और टूट गया तो होता प्रधानमंत्री बन जाए, हैं, अभी भी बन सकते हैं, देखिए ज्ञान बहुत है आपके पास। तब एक बार कटवा लें अपना फिर। हाँ मैं तो कह रहा हूं, कहिए चलो तो मैं रिश्ता पार्सल कर रखी गई इधर उधर, मैं रिश्ता भेजू आपका यहां से, कहूं शादी करके तोड़ो। कुछ गुण बताओगे उसमें, मतलब ऐसा क्या गुण है हमसे? तो कोई कहता ना शादी कर ले कुछ, या कई बार आते थे लोग, अब तो नहीं, पहले कहता था मैं, तो मैं कह दिया करता था कि भैया तुम में ऐसा क्या है कि मतलब कर ले, मतलब कुछ तो बताओ, कुछ लड़की तो है यही बोलेगी लड़कों का शौक ये भी है, क्या लीगल है वो, अपना अपना चॉइस है, लेकिन हमको भरोसा। हाँ मतलब ये भी पता नहीं, क्या पता कल को मूड बदल जाए। मतलब बदल सकता है, मैं सब समझ रहा हूँ, सुंदरता का गलत फायदा उठाएंगे आप। हाँ मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि तुम भी अपनी मम्मी के लिए बहू ही ले आओ। दामाद तो ला नहीं पा रहे, बहू क्या लाएंगे। घर में तीन तीन लड़कियां हो जाएंगी फिर, मम्मी तुम्हारी बड़ी बहन, तुम छोटी बहन और एक और बहन। अरे कितनी बहनें हैं मेरी, मेरा एक भाई है बस। तुम्हारा भाई कौन है? मेरा भाई 23 साल का है, जॉब करता है, कभी दिखाई क्यों नहीं पड़ता हमको? क्योंकि वो उसको कैमरा ज्यादा पसंद नहीं है। मतलब वो आता है, आज मेरे लिए कल रक्षाबंधन है, आज मेरे लिए क्या खाने का सामान लाया है, वो एकदम मेरी आंखें उल्टी हुई जा रही थी खा के उसको। इसी साल लाए हर साल आता है? इसी साल है, क्योंकि इसी साल से जॉब कर रहा है, बड़ा अच्छा आदमी है भाई। तो कितना लूटने वाली हो उसे? लूट अभी खिला दिया उसको जो खिलाना था, हम खुश हो गए उसमें। तब सुबह कितना लूटोगे? नहीं लेंगे पैसे, आए आज खिला दिया ना उसने, तो कल पैसे क्यों ले। खिलाने से क्या मतलब, इतने में खत्म? हाँ हम इतना ही लेते हैं, हम कौन सा आपको लूटे ले रहे थे, इसीलिए तो कह रहे थे सस्ते में निपटा दीजिए, मान ही नहीं रहे आप। तब चलो ठीक है कुछ करते हैं फिर हम। नहीं ये गलत चीज है, अब मैं लूंगा ही नहीं, अब मैं ले नहीं रहा हूँ। मेरी राखी कहाँ है? मेरा हाथ खा दे, उसने उसने मुझे खिलाया, मैंने उसको एक टी शर्ट गिफ्ट करी, पता है आपको, रिटर्न गिफ्ट भी देती हूँ मैं बढ़िया वाली बहन हूँ। क्या मतलब? अकाउंट में बड़ा है पैसा जितना ये स्वाइप अप स्टोरी लग रही है। भाई सब फरेब है, सब फरेब है, 99% मैं फ्री में लगा देता हूँ, क्योंकि कोई स्टोरी नहीं होती है। हाँ अच्छा ये बताओ कहाँ कहाँ ब्रांड कर रहे हो, कहाँ 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 क्या, कहाँ किसका किसका ऐड कर रहे हो? स्विगी का कर अब रहा? अरे स्विगी का बात हाँ 60% डिस्काउंट उसको उनको दे रहे थे। तो सुन ही नहीं रहे आप। स्विगी के लिए एक रील डाली थी, दो स्टोरी डाली थी, आज एक जी टीवी का कुछ है, मतलब एक शो आ रहा है जी टीवी पे, नहीं जी टीवी पे, वो तो भाई अरबाज सर के साथ उस दिन रील डाली थी ना, अभी एक जी टीवी पे शो आ रहा है, उसके लिए आज एक रील डालेंगे, देख के बताइएगा। मैंने पूरा प्रयास किया एकदम मोटिवेशनल होने का, आप देख के बताइएगा कैसा है। 11 बजे चलो पोस्ट चलो करेंगे आज। हम देखेंगे बताएंगे। अच्छा तुमने इसी के पेड़ भी रील को डाली थी, मतलब वो पैसा वाली लग रही थी हमको, हाँ स्विगी स्विगी पता लग जाता, दान दक्षिणा वाली पता लग जाती है। जो रील आपको पैसा देगी वो कभी व्यूज नहीं देगी। हाँ ये भी सच है। इसीलिए अब हम सोच रहे हैं कि इतना बड़ा अकाउंट हो गया है तो थोड़ा कमा भी लें, क्योंकि अभी सीजन चलता है, अभी का चलेगा नहीं, फिर अब जितना ग्रो करना था लगभग कर ही चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी वो तो डिपेंड करता है ना, अगर जैसे दो चार बड़े बड़े लोग ऐड होते जाएंगे आपका जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, उसके बाद उनके फॉलोअर्स आते हैं कई बार, तो सारी हाँ
बार आपका। हाँ ये है कि कोई भी चीज एक तरह की जब बहुत लंबे टाइम तक हो जाती है, तो एक आरजे था, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेके क्यों खराब करता, उनका बहुत तेज बढ़ा था बट अब रुक गए। तो कई बार क्या होता है जब आप एक ही तरह की चीजें बहुत करते रहते हो तो होता है, बट ठीक है मुझे लगता है तुम्हारी दुकान चलेगी अभी। नहीं, हम आपको जो आज हम वीडियो डाला है वो प्रॉपर रैंट नहीं है, वो रिएक्शन वीडियो टाइप का है, तो वो थोड़ा अलग करने का हमने प्रयास किया। और भाई साहब मैंने ट्रांजिशन किया है ऐसे। कौन है कि कोई तुमको बार बार मैसेज कर रहा, ऑफिशियल क्या रहता है? थैंक यू सो मच सर, तारीफ, लोग ब्लू टिक वाले तारीफ कर देते हैं, मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं। आपको और एक ब्लू टिक कब मिल रहा है? यार ब्लू टिक का देखो बड़ा गंदा हिसाब किताब है ब्लू टिक। हेलो बादशाह सर, बादशाह सर आए। अरे ऐड कर, ये लड़की बहुत ब्राइट है। मेरे हाथ कांप रहे हैं। अब एक बार वो गाना गा दो, बचपन के प्यार तुम पे सूट जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। मुझे पूरा गाना आता है। ओके आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं? हाँ हाँ ले लो। आप ले रहे हैं? मैं नहीं, मैं कोशिश कुछ और कर रहा था बट वो ऐसा दिखाई क्या नहीं। करने की कोशिश कर रहे थे आप? ओके ओके फेवरेट बादशाह का सॉन्ग बताओ। यही एक वो था शिवाय का, एक शिवाय का एक गाना था बादशाह सर ने उसमें रैप किया था, वो भी मेरा बहुत फेवरेट है, वो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। वो गूजबम देने वाला सॉन्ग है। और बेल का पत्ता, तीनों लोग किसी की सत्ता, ये वाला। वो शिवाय का टाइटल ट्रैक था शायद, टाइटल हाँ। ट्रैक बादशाह, वाओ, ये सॉन्ग था। वर्ल्ड रिकॉर्ड? हाँ सर, वर्ल्ड रिकॉर्ड एकदम पक्का है। दिस सॉन्ग बादशाह। वैसे भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त भी हैं, हम भी हैं, आप भी हैं, और बादशाह इंजीनियर भी है, मतलब हमारी बिरादरी से, बीटेक वालों की। भाई यार ये लोग हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज है। बादशाह जितने भी बीटेक वाले हैं हम सबका हिसाब, आई थिंक बादशाह ने थर्ड ईयर में शायद छोड़ा था बीटेक। अच्छा, मैं तो चालू ही ना कर पाता। नहीं बीटेक वालों में एक होता है, बीटेक वाले हमेशा काम करते हैं। एक तो पता नहीं आपने ईयरफोन कहाँ खोस लिया या आवाज ही नहीं आ रही है। ओह माय गॉड रिच, ओह माय गॉड, मुझे सांस नहीं आ रही है। पब स्टोरी मैं डालता हूँ, ईयरफोन एयरपॉड आपके पास कैसे आ रहे हैं? मैं ये लेके चल रहा हूँ 1900 वाले, आवाज तो एकदम आनी बंद हो गई है। हाँ अब दूर से आ रही है। टीवी पे भी नौकरी करता हूँ, ये भी बात है। मैं तो गरीब आदमी, मैं स्वाइप अप स्टोरी डाल के भी अपना खर्चा नहीं चला पा रहा हूँ भाई। देखो लग रहा है अगला बचपन का प्यार तुम्हारे साथ होने वाला बादशाह भाई का। मैं तैयार हूँ, मुझे तुरंत मुंबई बुला लो। चलो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं लोगों से सवाल पूछते हैं। कितने लोग ये चाहते हैं कि जैसे बचपन का प्यार वाला एक वीडियो आया, हमारे छोटा डॉग का भी कैसा वीडियो आना चाहिए बादशाह के साथ, या फिर कोई मूवी? अरे हाँ, बादशाह सर के साथ स्पेशली या सीरीज भी मिल जाए तो जिंदगी सेट हो जाती मेरी, मैं तो एकदम मोक्ष प्राप्त कर लेता। लेकिन फिर पहला इंटरव्यू मेरा ही होना चाहिए फिर। आप अभी तो बुला नहीं रहे, तब क्या बुलाएंगे? तब मैं नहीं आऊंगा, अभी तो ले नहीं रहा इंटरव्यू मेरा, हद पार गई है बदतमीजी की। पहला इंटरव्यू मेरा होगा, जब सब लोग लाइन में लगे होंगे तो भैया सब जब सब लोग लाइन में लगे होंगे तो इनको प्रायोरिटी देंगे हम, और जब मुझे कोई नहीं पूछ रहा तो ये भी नहीं पूछ रहे हैं। वाह, 5 बजे की शिफ्ट है सुबह की, हाँ तो अब मैं बैठ के तुमसे लाइव कर रहा हूँ, मैं अपना नींद का आधा हर 1 मिनट उजारा वो मेरे 6 घंटे में से माइनस हो रहा है। ठीक है माफ करिएगा मुझे, मैं आपको बस 5 मिनट में छोड़ दूंगा बस। तो रिस्पेक्ट नहीं, रिस्पेक्ट तो ठीक है पर आपको मेरा अभी इंटरव्यू ले लेना चाहिए भाई, ये बुरी बात हो जाती है। चलो तुम्हारा इंटरव्यू ले लेते हैं, तुम्हारा फेवरेट। अरे यार ऐसे नहीं लीजिए, टीवी पे लीजिए। टीवी पे लीजिए, टीवी पे इंटरव्यू क्या करो, क्या कांड करोगे अभी, मजा आएगी। चलो इधर तो टीवी पे डन,
करते हैं, जल्दी करते हैं। कुछ करती है क्या है, जब कुछ बन जाएंगे तब करेंगे आप। प्लान करते हैं जल्दी टीवी के लिहाज से कुछ। मैं तो बोला हूँ अपने जो आपके मैनेजर है उनसे मेरी बात करा दीजिए, मैं उनको ऐसा कन्विंस करूंगा ना, ऐसा मैं कहूंगा सर मेरी वेब सीरीज आई तो उसमें 1 करोड़ लाभ का पक्का। कौन सी अल्ट बालाजी वाली? ये अश्लीलता क्यों कह रहे हैं आप यहाँ भाई? बालाजी में सब अश्लीलता नहीं, कुछ ठीक ठाक भी आती होगी, मुझे नहीं पता। जो नहीं जो यूट्यूब पे उसके एड आते हैं वो तो बड़े अश्लील आते हैं भाई। देखा नहीं, तुमने देखा होगा ध्यान से एड भी। गलत जा रहे हैं आप, मेरी मम्मी लाइव देखती है उनको लगेगा बच्ची बिगड़ गई है, जबकि ऑल्ट वाला जी के ऐड बिगड़े हुए आते हैं। इंसान नॉर्मल वीडियो देख रहा है, कोई नॉर्मल गाना सुन रहा है, उसमें ऑल्ट वाला जी का ऐड आ रहा होता है। मतलब ऐड सबका इस टाइम यूट्यूब पे तो चलो ठीक है, उसे पैसा भी अलग ही आ रहा है तो वो भी अच्छी बात है कि चलो उसी बहाने लोग छाप रहे हैं। मेरा टीवी पे इंटरव्यू लीजिए वरना मैं नोएडा आके किडनैपिंग कर लूंगा आपकी। चलो तुम्हारा टीवी का पहला इंटरव्यू अभी करेंगे। अब अभी अभी अफगानिस्तान खत्म होने दो, अभी अफगानिस्तान वो आप हमने वीडियो देखे आपके जो आपने 3-4 रील लगातार पोस्ट करी थी आज ना, आज वो देखी भाई एकदम क्या ही बताएं। तो मैंने एक्चुअली मुझे पता था कि बहुत सारी गालियां पड़ेंगी, बहुत सारे लोगों ने अनफॉलो भी किया उसको। अनफॉलो का ही किया? सच बोल दिया तो अनफॉलो कर दिया। वाह, मतलब उसमें कुछ लोगों जैसे मैंने उसमें क्या था कि 7 वीडियो थे। पहला अमेरिका के लोगों ने रेप किया था वियतनाम में, दूसरा जर्मनी के लोगों ने किया था, तीसरा था एक ISIS का था तो हमारे पे था कि गुजरात में मुस्लिम महिलाओं का रेप किया था। तो हमारे देश का दिक्कत क्या था, लोग पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं सुनते। एक लाइन एक सुनते हैं और सोचते हैं कि क्या नाम है ये हमारे धर्म को बोल रहे थे। बट मेरा जो पूरे वीडियो को लेकर वो पूरा मैसेज ये था, तो वीडियो का सीरीज बनाने का, चाहे लड़ाई देश की हो चाहे लड़ाई धर्म की हो या आपस में, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है दुनिया के, जब आप वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ते हो कि कोई भी किसी को हराता है तो एक तो पैसा लूटता है और दूसरा वहां की जो वुमेन होती है, लड़कियां होती है उनकी। हाँ सही बात। इनफैक्ट हमारे इंडिया में भी जैसे हम लोग कहते हैं ना कि लड़की घर की इज्जत होती है, आती है पढ़ते हो कि कोई इंसान को आपको बदला लेना है तो आप उसकी